लेकिन जो आपके साथी जो लोग हैं अभी अभी वो ये कह रहे हैं कि ना तो आप यूएनपीए में हैं, ना आप यूपीए में हैं, यानी कहीं नहीं है, ना यहाँ है ना वहां है, लेकिन फिर भी सब जगह है। मैं अपने किसी साथी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सभी साथियों से इतना ही अनुरोध करेंगे जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे सबके सामने तोड़ दो। ये आपने बात बहुत अच्छी की, और इससे मुझे ये याद आता है कि सोनिया जी से जब आपकी मुलाकात हुई होगी इतने साल के बाद, और आप लोग एक दूसरे के बारे में अखबार के जरिए या टेलीविजन के जरिए जानते होंगे, और कड़वाहट भी आ गई होगी संबंधों में, पहली मुलाकात सोनिया जी से आपकी कैसी रही? सहज थी या आप थोड़े से कुछ आपके मन में कुछ दूसरे विचार चल रहे थे? देखिए, मैं मेरे व्यक्तित्व के कई डायमेंशन नहीं हैं, मेरे दिल में, मुंह में और दिमाग में कई तरह की बातें नहीं रहती, ये 3 डायमेंशनल नहीं है। तो मैं जो अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ, मैं भी सहज था वो भी सहज थी। वो बड़े मन की महिलाएं, पिछली बातों की कोई कटुता उनके चेहरे पर नहीं और आचरण में नहीं दिखाई दी, और मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने काफी गर्मजोशी से, काफी उत्सुकता से, काफी उत्साह से हमारा और मुलायम सिंह जी का स्वागत किया, और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं गया, कुछ मांग नहीं रखी, सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर जो हमने एक सेमिनार किया था और जेल जाने का भी उपक्रम किया था, फिर हमारे दोस्त वीर सांगवी ने लिखा, उनका उदाहरण दे रहा हूं कि मैं चिदम्बरम साहब को गाली दे रहा हूं, और गाली दे रहा हूं क्योंकि वो हमसे ज्यादा ब्राइट हैं। अरे वीर सांगवी साहब, चिदम्बरम साहब हमसे ब्राइट नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और आप भी हमसे बहुत ज्यादा ब्राइट हैं वीर सांगवी जी, तो आपके सामने हम कुछ नहीं हैं। तो मेरी कोई प्रतिद्वंद्विता उनसे नहीं है, चिदम्बरम जी हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, लेकिन लगता है आपको उन्होंने बताया नहीं कि पिछले दिनों उनके घर पर 1.5 घंटे की हमारी मुलाकात वन टू वन हो चुकी है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं विरोध उन्हें गालियां नहीं दे रहा हूँ, विरोध मैं उनका नहीं कर रहा हूँ, अपने राजनीति धर्म का पालन कर रहा हूँ। उनके नेतृत्व में जो महंगाई मार रही है मध्यम वर्गीय वर्ग को, आप बड़े आदमी हैं, केवियर और रेड वाइन की संस्कृति के व्यक्ति हैं, तो आपको गरीब की मार नहीं समझ में आ रही है। हम आजमगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर के गरीबों के बीच में भी हम जाते हैं एयर कंडीशन छोड़कर, तो हमें उसकी मार का पता है। तो चिदम्बरम जी के नीतियों की मार से जो आहत और पीड़ित लोग हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, गाली नहीं है। और मुरली देवड़ा के लिए उन्होंने कहा है कि मैं अनिल अंबानी की राजनीति कर रहा हूँ, सभी उद्योगपति हमारे मित्र हैं, जैसे सभी पत्रकार आपके मित्र हैं, मैं उद्योगपति हूँ इसलिए उद्यमी हमारे मित्र हैं, और क्या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वीर सांगवी के मित्र नहीं है? तो यानी अभी आपको पी चिदम्बरम और मुरली देवड़ा का इस्तीफा नहीं चाहिए? हमने कभी मांगा ही नहीं, लेकिन हमको उनकी नीतियों का विरोध हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मुरली देवड़ा जी ने यह बयान दिया है कि विंडफॉल इनकम में क्या बुराई है, और मुरली देवड़ा अभी स्पेन गए थे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड की बैठक में, उस बैठक में उन लोगों ने भारत की मलामत की है, क्या वह भी अनिल अंबानी की वजह से हुआ है? उसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड ने कहा है कि प्राइवेट रिफाइनरी को एक्सपोर्ट यूनिट का स्टेटस देना एकदम गलत काम है। आप देखिए, महंगाई बढ़ गई है, सीमेंट का और लोहे का दाम बढ़ गया, तो सीमेंट और लोहे का एक्सपोर्ट आपने बंद कर दिया, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बहुत महंगा होता जा रहा है, अब गरीब आदमी की जेब से पैसा निकालना है, लेकिन अंबानी का पेट्रोल पंप बंद हो गया, वो रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो गया, और 15 रुपया प्रति डॉलर से वो $7 बिलियन कमा रहे हैं, और उनकी यूनिट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का दर्जा भी दिया है, यानी वो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, और वो भारत के महंगाई में जूझ रहे हैं, मध्यम वर्ग को तेल भी नहीं दे रहे हैं, अपने तेल के डिपो को भी उन्होंने बंद कर दिया, पेट्रोल पंप को, और सारा का सारा माल जिसकी कमी है, लोहा तो हम बाहर नहीं भेज सकते, सीमेंट नहीं भेज सकते, लेकिन जो तेल अंबानी बना रहे हैं वो पूरा का पूरा एक एक बूंद वो विदेश जा रही है, ये धांधली और लूट नहीं है तो क्या है? यानी मुकेश अंबानी को फेवर किया जा रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं होगा, देश बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चूंकि मेरा अध्ययन है और विंडफॉल टैक्स लगे, आप अमेरिका से बहुत प्रभावित हैं, तो अमेरिका में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, तो अमेरिका में जो डेमोक्रेट जो अब सत्ता में आ रहे हैं उन्होंने विंडफॉल टैक्स का प्रोविजन लगाया है, उसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं कर दी जा रही है?
और दूसरा सवाल ये कि हमारे मित्र अनिल भाई हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, अनिल अंबानी वह टेलीफोन का उनका धंधा है, लेकिन उनके भी विरुद्ध जाएगा वो जो स्पेक्ट्रम का जो आवंटन है वो आवंटन से ज्यादा जो मिसयूज हुआ है उसमें कुमार मंगलम बिरला भी हमारे मित्र हैं, सुनील मित्तल हमारे मित्र हैं, अनिल अंबानी हमारे मित्र हैं, इन सब लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकी देनदारी है सरकार को और स्टेट बैंक के कंजर्वेटिव रेट पर उनका तय किया जा रहा है, ये कितनी गलत बात है। गांधी परिवार से दोस्ती तो हो गई लेकिन बच्चन परिवार अब क्या कहने वाला है, क्योंकि एक जमाने में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि गांधी परिवार राजा है तो बच्चन रंक है, अब बच्चन परिवार से अमर सिंह की दोस्ती पर क्या असर पड़ने वाला है, इसका जवाब हम पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक में।